आपकी दुकान खुली और उसमें किस तरह से हम भीड़ सुबह 4 बजे से देख रहे हैं, पीने वाले सुबह 4 बजे से लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले आएंगे और पहले पाएंगे। बहरहाल अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं और खबर हम देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। खबरों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल। मुलाकात के कारणों का फिलहाल अब तक कोई खुलासा नहीं है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए अपने बयान से सुर्खियों में भी रह चुके हैं प्रदीप जायसवाल। आपको बता दें प्रदीप जायसवाल ने कहा था कि जिसकी भी सरकार हो हम उसके साथ हैं, बालासिवनी से निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि प्रदीप जायसवाल कांग्रेस में ही थे लेकिन संजय मसानी के कांग्रेस में शामिल होते ही उनको बालासिवनी से टिकट दिया गया था, जो वो प्रदीप जायसवाल से निर्दलीय इस चुनाव को हार जाते हैं और प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय विधायक हैं वो जीतते हैं और उसके बाद कमलनाथ सरकार में इनको राजस्व मंत्री भी बनाया जाता है। जब जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप लगाया जा रहा था, जो तमाम चीजें जो सत्ता तख्ता पलट मध्य प्रदेश में हुआ, उस दौरान प्रदीप जायसवाल के बयानों ने भी खूब चर्चा और सुर्खियां बटोरी थी। तो गृह मंत्री से ये मुलाकात बेहद यहाँ पे खास इसलिए भी हो चली है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। प्रदीप जायसवाल पहले ही कह चुके हैं कि भाई जिसकी भी सरकार होगी समर्थन उसको दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, सरकार किसी की भी रहेगी समर्थन उसको दिया जाएगा, अपने इस कथन को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जायसवाल। बिल्कुल सही कहा रश्का आपने कि हम सरकार के साथ, उनका कहने का मतलब ये था जो सरकार होगी हम उनके साथ होंगे। और निर्दलीय विधायक जैसा कि अभी आप बता रही थी, कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया था और मुख्यमंत्री के साले जो है शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को टिकट दिया था बागी प्रत्याशी के तौर पर, जो है प्रदीप जायसवाल और गुट्टा जायसवाल जो है मैदान में कूद गए थे और विजय हासिल की थी। और जाहिर तौर पर जब सरकार को उस समय कांग्रेस को क्योंकि जिस तरीके का जनादेश आया था जरूरत थी समर्थन की, तो प्रदीप जायसवाल वैसे भी देखा जाए तो वैसे कमलनाथ समर्थक माने जाते हैं और बहुत ही बखूबी वो मंत्रिमंडल में पहली बार जो है कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। बाद में जो है प्रदीप जायसवाल ये राजनीति को उठापटक होती उसके पहले ही जायसवाल ने ये बयान जिसका भी आप जिक्र कर रही थी देखकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उन्होंने ये बाद में कहा था कि दोनों मौकों को पेश किया जाए, लेकिन अब जबकि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर मार रही हैं, जितने भी विधायक हैं खासकर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों को तो आज है ही, साथ ही सिंधिया कोटे से 10 जो है विधायकों के मंत्री बनने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, जिसमें इंदर सिंह कंसाना दत्ती गांवकर के अलावा जो है अन्य मंत्री अन्य पूर्व विधायक भी पूर्व विधायक भी शामिल हैं, तो जिस हरदीप सिंह डंग भी उसमें ही शामिल है। तो चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी। चलिए बुलेटिन रुक रहे एक ब्रेक के लिए।